अरविंद केजरीवाल अपने इस्तीफे का ऐलान कर चुके हैं। कल शाम 4:30 बजे एलजी से मिलेंगे और औपचारिक तौर पर अपना त्याग पत्र दे देंगे। लेकिन यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। सीएम की कुर्सी छोड़ने में महज 24 घंटे से कम का वक्त बाकी है और सियासी सर्किल में चर्चा इस बात की है कि केजरीवाल किसे अपना उत्तराधिकारी बनाने जा रहे हैं। वंदे, वंदे। रविवार दोपहर से ही राजनीतिक हलचल तेज है। सीएम निवास से लेकर पार्टी दफ्तर में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। पीएसी की मीटिंग से पहले आज सुबह मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा ने केजरीवाल से मुलाकात की और रणनीति बनाई। माना यह जा रहा है कि कल सुबह केजरीवाल इस्तीफा देंगे, उसके बाद विधायक दल की बैठक में नया नेता चुन लिया जाएगा। सवाल यही, वो नेता कौन होगा? मुख्यमंत्री वो बनेगा जो एक तरीके से इनका सबसे अच्छा सीए होगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, जो इनकी बुक्स ठीक रखेगा और इनके प्रॉफिट एंड लॉस को इनके हिसाब से ज्यादा या कम दिखाएगा। अब इनके यहां अरविंद केजरीवाल के अलावा बाकी तो सब, माफ करिए मैं एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी को बुरा ना लगे, सब डोमेस्टिक सर्वेंट हैं। सप्लाई डिमांड वाला मामला है और उसके अलावा किसी की कोई औकात नहीं है, पूरी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान को बीजेपी पॉलिटिकल स्टंट बता रही है। पॉलिटिकल स्टंट है, मजबूरी में उठाया गया कदम है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने लथेड़ के कुर्सी से हटाया अरविंद केजरीवाल जी को। अरविंद केजरीवाल जी की कोशिश अपनी है दिल्ली में, हरियाणा में अपने एक इमोशनल कार्ड खेलने की, बट ये व्यर्थ जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी केजरीवाल के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही है। आज दुनिया के हर कोने में ये बात हो रही है, भारत की गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बात हो रही है, दिल्ली के हर पार्क में आज मॉर्निंग वॉकर्स यही चर्चा कर रहे थे। दिल्ली के लोगों के अंदर ऐसी उत्सुकता है कि चुनाव हो और हम वोट डाल के अरविंद केजरीवाल को कल ही दोबारा मुख्यमंत्री बने, ऐसी बेसब्री है आज दिल्ली की जनता के बीच में। दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं, अभी 6 महीने से कम का वक्त है। ऐसे में केजरीवाल सीएम के लिए कोई ऐसा कार्ड खेल सकते हैं जो हरियाणा में भी फायदा दिला सके। फिलहाल कई नाम चर्चा में हैं। जोड़ घटाव से लेकर नफा नुकसान के तराजू पर सबकी ताकत और कमजोरी तौली जा रही है। देखिए किसकी किस्मत में सीएम की कुर्सी आती है। अब जो तमाम नाम इस वक्त सियासी गलियारे में घूम रहे हैं, जो जिनको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, वो मैं आपको बता देता हूं किस किस नाम को लेकर कहा जा रहा है कि ये दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आतिशी जो फिलहाल पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, कैलाश गहलोत का नाम भी सामने आ चुका है, परिवहन मंत्री हैं फिलहाल दिल्ली सरकार में, और गोपाल राय जो पर्यावरण मंत्री हैं, इनका नाम भी इस रेस में है। अब सबके बारे में मैं आपको बताऊं कि किसकी क्या ताकत नजर आ रही है, कौन किसकी दावेदारी ज्यादा मजबूत है। तो ये देखिए, आतिशी की बात की जाए तो इनकी ताकत मजबूत महिला चेहरा आम आदमी पार्टी के अंदर, लेकिन कुर्सी का कोई लंबा तजुर्बा नहीं है, अनुभव नहीं है, तो ये इनके खिलाफ बात जाती है, यानी इनकी कमजोरी आप कह सकते हैं। अब कैलाश गहलोत की बात कर लें तो उनकी क्या ताकत है वो आप जरा समझिए, और क्या कमजोरी है वो भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए, जाट चेहरा है और इनके जरिए हरियाणा को भी एक राजनीतिक संदेश दिया जा सकता है जहां पर वोट पड़ने हैं। कमजोरी की बात की जाए तो घोटाले का घेरा इनके आसपास, इनके इर्द गिर्द भी, ये तो बात हुई कैलाश गहलोत की। अब गोपाल राय की बात कर लेते हैं तो गोपाल राय के फेवर में क्या चीज जाती है वो आप जरा समझिए कि उनकी ताकत क्या कही जा रही है और क्या कमजोरी है। पुराने सहयोगी हैं, यानी अरविंद केजरीवाल के साथ लंबा उनका अनुभव रहा है, संघर्ष के दिनों के साथ ही रहे। लोकप्रियता के मामले में अगर देखा जाए मासेस के बीच, पब्लिक के बीच, तो उसमें थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं। तो देखा जाएगा अब इन सब चीजों को तौलते हुए कि कौन इस रेस में आगे निकल जाता है। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं दीपक रावत के पास, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, पीएससी की बैठक शुरू हो गई, क्या जानकारी आ रही है वहां से? जी अखिलेश, 5:30 बजे मीटिंग शुरू हो गई, 5 बजे बुलाया था, लोग आते आते 5:30 हो गए, 5:30 में बैठक शुरू हुई है, आधे घंटे का वक्त हो चुका है। हालांकि सारे सदस्य नहीं पहुंच पाए हैं, संजय सिंह बाहर हैं प्रचार के लिए, संदीप पाठक भी बाहर हैं, लेकिन
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन लोगों को भी जोड़ा गया है। सभी के आगे नाम रख दिए गए हैं, उस नाम पर चर्चा हो रही है। 2 से 3 नाम रखे गए हैं जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, और ये बताया गया है कि इन्हीं नामों में से एक नाम तय करना है और उसी नाम को विधायक दल की बैठक में रखना है जो कल सुबह 11 बजे CM कैंप ऑफिस यानी कि सिविल लाइन में जो घर है जहाँ पर इस वक्त PAC की बैठक हो रही है वहाँ पर तय किया जाएगा। और उसके बाद की जानकारी के मुताबिक जो नाम तय कर लिया जाएगा उसी नाम की चिट्ठी के साथ अरविंद केजरीवाल शाम 4:30 बजे उपराज्यपाल के दफ्तर पहुंचेंगे, पहले अपना इस्तीफा देंगे और उसके ठीक बाद नए नाम की चिट्ठी उनके सामने रख देंगे और कहा जाएगा कि जल्द से जल्द। इंतजार इस बात का भी रहेगा कि आखिर जो अभी सूत्र बता रहे हैं जिन्हें लेकर सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं आखिर कौन से नाम पर मोहर लगती है। शुक्रिया फिलहाल आपका दीपक इस जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।